सो गाइस हम खारदुंगला पहुंच गए हैं। सो गाइस स्नोफॉल हो रही है, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे खारदुंगला 18,380 फीट। उतरे थे यहीं पे फोटो वोटो खिंचवाने के लिए और सडनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। 5-6 किलोमीटर हो गए और तब से ऐसे ही खराब रोड चल रहे हैं और आगे पता नहीं और कितना खराब रोड होगा, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग दिल्ली फ्रॉस्ट राहुल। सो गाइस आज है day 7 लद्दाख में और हम आज जाएंगे लद्दाख से आगे की तरफ और हम जाएंगे खारदुंगला और खारदुंगला से आगे हमारा प्लान है या तो हम तुरतुक में रुक जाएं या हुंदर में रुक जाएं, सभी कुछ कंफर्म नहीं है, बाकी फिलहाल खारदुंगला तो कन्फर्म है। तो अभी करीबन 8 बज रहे हैं और अभी पैकिंग शुरू हो गई है, सब बाइक में अपना माउंट कर रहे हैं, चेन लूप भी करवा दी मैंने अपनी और अब बस हम पैक करके अब निकलने वाले हैं। सो आई होप अब तक जितने भी आपको इस सीरीज में वीडियो देख रहे होंगे जो लोग, तो उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा होगा और जो लोग नहीं देख रहे तो मैं उन्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा सीरीज देखें स्टार्टिंग से, आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये जर्नी बहुत ही बड़ी है और काफ़ी चीज एक्सप्लोर करी गई है इन जितने दिनों में भी अभी तक बता रहा हूँ। तो अभी हम निकलते हैं, आपसे मिलता हूँ बाइक पर एक बार निकलने से पहले। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, बाइक वाइक सारा सामान पैक वैक कर लिया है, ये दोनों रेडी है। नंद किशोर जी के सस्पेंशन फ्रंट सस्पेंशन से ऑयल लीक हो रहा था तो उन्हें पहले भेज दिया हमने और बाकी हम लोग अभी निकल रहे हैं वहीं पे मैकेनिक की दुकान पर। मैंने पता चला कल खारदुंगला के पास स्नो पड़ी है, वैसे भी कल बहुत ख़राब मौसम था यहाँ पे, सुबह सुबह ही करीबन 7-8 डिग्री का। हाँ अभी तो धूप निकली हुई है, कल तो धूप अब था ही नहीं नाम निशान। सो गए हम खारदुंगला के लिए निकल चुके हैं, ये खारदुंगला रोड है। तो आज काफ़ी निकलते निकलते प्रॉब्लम हो गई, नंद किशोर जी का फ्रंट सस्पेंशन का, जैसे मैंने बताया कि उसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था। देन मैं पैसे निकालने गया तो करीबन 3-4 किलोमीटर ऊपर तक गया मार्केट तक, फिर वापस नीचे आया, बहुत 4-5 से भी ज़्यादा मैंने शायद ATM देख लिया होगा बट कहीं पे भी पैसे नहीं मिल रहे थे। तो एक बैंक पर्सन ने बताया कि कुछ हॉलीडे था इनका 3 दिन तक का, तो इस चक्कर में इन लोगों ने कुछ डिपॉजिट हुआ ही नहीं ATM मशीन के अंदर। तो ये सब करते करते अभी टाइम करीबन हो गए हैं 11:20 और अभी हम निकल रहे हैं खारदुंगला में और खारदुंगला भी यहाँ से कम है 2 घंटे का रास्ता। ऊपर आसमान में देखा जाए एकदम काले बादल बादल से हो रहे हैं उस तरफ, पता नहीं शायद आज भी बारिश ना हो जाए या कहीं ऊपर पहाड़ों पे हो रही हो। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट चेक पोस्ट था खारदुंगला के लिए ऊपर चढ़ते ही, तो यहाँ से हमारी RC चेक हुई थी और जब हमने परमिट बनाया था वो भी चेक हुआ था और अभी हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से 48 किलोमीटर है जो करीबन 2 घंटे लगेगा। और अभी भाई से बात कर रहे थे तो पता चला कि खाली आप अपने पर्सनल व्हीकल ही ला सकते हो और रिलेटिव्स की नहीं चलती, खाली ब्लड रिलेशन लाइक योर ब्रदर और आपके फादर हो उनके, अगर उस बेसिस पे अगर आपकी बाइक है या कार है तो ही आप जा सकते हो, बाकी अंकल आंटीज या किसी के थ्रू आप नहीं जा सकते। बाकी ऊपर आसमान बड़ा गंदा मौसम सा हो रहा है, एकदम बादल ही बादल हो गए, ऊपर लगता है बर्फ भी पड़ सकती है शायद, अगर स्नोफॉल हो रही होगी तो बढ़िया मेरे लिए बढ़िया, मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं अभी तक स्नोफॉल लाइव अपने सामने, तो देखते हैं आज लाइव देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर देख लो कितनी ज़्यादा बादल है। सो गाइस अभी हम साउथ पुलू पहुंचने वाले हैं, साउथ पुलू यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर है और खारदुंगला भी यहाँ से करीबन होगा 14 किलोमीटर और खारदुंगला क्रॉस करने के बाद आता है नॉर्थ पुलू। और अभी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल सी हुई थी बहुत ही हल्की सी, तो हमने रेन कवर डाल लिए थे राइडिंग जैकेट के अंदर ही कि बाद में सडनली हो जाए और काफ़ी हम फिर भीग जाए उतने में, इससे बढ़िया पहले डाल ही लो
ननकिशोर जी को छोड़ के बाकी सबने पहन लिया है। वो कह रहे हैं कि वो जब होगा स्नोफॉल या बारिश तभी वो देखेंगे पहनना ही नहीं पहनना। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठंड तो बहुत है, जैकेट से अंदर जा रही है, इतनी लेयर है। चलो यहाँ पे चेक पोस्ट है साउथ फुलू का, यहाँ पे अपनी एंट्री करवा के फिर चलते हैं। तो एंट्री कराने चलते हैं अंदर, वो बाइक यहाँ पार्क कर दिए। राहुल DL हो गया ना मेरा। तो गाइस एंट्री हो चुकी है हमारी। तो गाइस यहाँ से हमारी चेकिंग हो गई जैसे मैंने बताया, और सामने देख सकते हो थोड़ी बहुत स्नो भी पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक बंदा रखा है जो कन्याकुमारी से लद्दाख कर रहा है, और ये बंदा आया है हैवी ड्यूटी पे एक्सल 100 TVS पे। तो बहुत बड़ी बात है कोई इस बाइक पे भी आ रहा है। बट एक भाई हमें रास्ते में मिले थे, तब मैंने कैमरा ऑन किया नहीं था, तो वो भाई साइकिल से आ रहे हैं, और वो भी कहीं तमिलनाडु केरला की तरफ से ही आ रहे हैं, और साइकिलिंग से उन्हें 51 days हो गए आते आते अभी तक। सो गाइस अभी हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं ऊपर, और सामने का व्यू देखो, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ हर जगह, और इतना ब्यूटीफुल पहाड़ लग रहा है। और नीचे का तो कोई पता ही नहीं होता पता कि ले सिटी कहाँ पे है, बट हाइट में बहुत पहुँच गया, और इतनी ठंडा हो गई है बारिश और स्नो फ्लोल की वजह से कि मैंने -5 के ग्लव्स भी में कुछ काम नहीं कर रहे, उनमें भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी करीबन बहुत कम हो गया होगा। सो गाइस मैं आपको एक व्यू दिखाने के लिए मैंने रुका था यहाँ पे, सामने व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है पूरा। नीचे वो कैंप है जहाँ पर हम रुके हुए थे साउथ कुलू पे, और ऊपर आए हैं, बर्फ ही बर्फ है हर जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो मौसम खुल गया है, बट ले सिटी की तरफ मौसम खराब हो रहा है। बाकी ऊपर देखते हैं कि मौसम साफ है नहीं है खारदुंगला पे, कि कुछ लोग कह रहे हैं लोकल्स के माइट भी वहाँ पे स्नोफॉल हो, पूरी नीचे तक खाई है एकदम। और मैं थोड़ी लो स्पीड में और इससे चला रहा हूँ ताकि हवा कम लगे, ज़्यादा तेजी से चलाएंगे तो हवा बहुत ज़्यादा लगेगी और ठंड भी लगने लगेगी फिर, इसलिए एवरेज 40 की स्पीड पर रख रहा हूँ मैं, 40-45 की। सो गाइस अभी हम उतरे थे यहीं पे फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, और सडनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, देख सकते हो मेरे जैकेट में भी स्नोफॉल हर जगह आ रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल। सो गाइस अभी 2:45 हो रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए थे, तो विशाल अपना ग्लव्स निकाल रहा था, वैसे तो बोल दिया था मैंने उसे निकाल के रख, निकाला नहीं उसने। और बाकी अभी स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, अगर आप लोग देख सकते हो, अगर सामने अगर आकाशी जैकेट पे देख लो कितनी ज़्यादा बर्फ उसकी जैकेट पे ही है, और हाँ तो भाई हर जगह, और बहुत तेज़ी से स्नोफॉल हो रही है अब। सो गाइस हम खारदुंगला पहुँच गए इतनी बर्फ बर्फ होने के बाद भी, और बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही थी, मेरे को लग रहा था शायद थोड़ा और ऊपर होगा ये खारदुंगला, बट स्टिल हम पहुंच गए, बड़ी बड़ी बात है। सो गाइस हम पहुंच गए खारदुंगला जैसे बताया गया, और यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे खारदुंगला 18,380 feet, और यहाँ पे बैरिकेड्स लगा रखे, पहले आगे तक बाइक खड़ी हो जाती थी, बट अभी बंदे खुद जा रहे कि ब्लैक आइस वहाँ हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। सो फाइनली रीच इन खारदुंगला। तो गए तुम्हारी फोटोशूट सब कुछ हो गया है, और लकीली हमारा बहुत अच्छा लगता कि हम ऊपर आए और धूप मिल गई, क्योंकि हम नीचे जब थे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी जैसे मैंने दिखाया प्रीवियस वीडियोस में,
प्रीवियस जो क्लिप्स थी। तो अभी हम बस निकल रहे हैं और धूप जो अभी निकली है बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही है। और जैसा मेरे को लग रहा था कि सांस ज़्यादा फूलेगी मेरी, तो ऐसे सांस ऐसे कुछ फूल नहीं रही है, बाकी आगे देखते हैं। सो गाइस, हमारा खारदुंगला पहुंच गए हम, और खारदुंगला से हम निकल रहे हैं। तो ज़्यादा ही टाइम ले रहे थे विशाल और नंदकिशोर जी, जैसे के लिए 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था, यहाँ पर रुके। बाकी अब निकलते हैं। तो एक बार आप लोग सबको दिखा दूँ, ये रहा खारदुंगला, नीचे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहाँ पे आइसिंग हो रखी है। और ये नॉर्थ पुल्लू 14 किलोमीटर, खालसा नुब्रा सियाचिन कैंप 160 किलोमीटर, और ये खारदुंगला व्यू पॉइंट है। सो गाइस, अभी मैं यहाँ रुका था उन लोगों का वेट करने के लिए, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है, ऐसे पहाड़ों के बीच से एकदम रोड जहाज जा रही है, और काफ़ी दूर एक कोई बेस कैंप या कुछ कह सकते हो, एक पॉइंट है जहाँ पे फूड या कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो लगभग करीबन होगा यहाँ से 10 किलोमीटर होगा वो, शायद शो न्यू बट हाँ शायद 10 किलोमीटर हो, आई थिंक नॉर्थ पुल्लू हो वो। और बाकी मैं मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अगर मैं सोचूँ ना, तो मेरा कहीं ना कहीं मन आजकल करता है कि मैं सोलो राइड प्लान करूँ, क्योंकि ग्रुप राइड होता है तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, उनको देख के चलना पड़ता है, बट सोलो राइड होता है तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। जितने उसके पॉजिटिव साइन भी होते हैं उतने नेगेटिव भी होते हैं, कि कोई भी दिक्कत आ जाए तो कोई हेल्प मिलना मुश्किल हो जाता है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर, अगर मैं कभी सोलो राइड कर पाया तो उस टाइम उसका भी व्लॉग करेंगे। हम नॉर्थ पुल्लू पहुँच चुके हैं और अब हमारे यहाँ से जो प्लान है वो है नुब्रा का, बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे। और बार बार बर्फ़ पड़ रही है, लगता है भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सुन ली मेरी, बार बार बर्फ़ ही बर्फ़ पड़वा रहा। 15,300 फीट नॉर्थ पुल्लू, सो गाइस हम अभी हैं नॉर्थ पुल, और नॉर्थ पुल से यहाँ से पेंगोंग का रास्ता स्टार्ट होता है। बाकी हम यहाँ पे भी चाय कॉफ़ी पीते फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, स्नोफॉल हो रही है और बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है, वहाँ बाइक है हमारी और दिखते भी नहीं रहा, एकदम मुंह पे एक सीधा लग रही है, मैंने तो आगे ही बंद कर लिया है, और स्नोफॉल ही स्नोफॉल हो रही है, ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहेंगे, निकलते हैं। तो गाइस, काफ़ी बारिश होने स्नोफॉल होने के बाद अब मौसम काफ़ी सही हो गया है, धूप वूप निकल गई है, अब एकदम क्लियर मौसम हो चुका है। आई होप हानले तक कोई और दिक्कत ना आए और जल्द से जल्द हम पहुंच जाएं हानले। और आइसिंग दिखाता हूँ, ये देखो कितनी आइसिंग हो रखी है मेरी बाइक पे, बर्फ ही बर्फ हुए हैं और बाकी सबकी बाइक में भी। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और जहाँ से एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे इतना ठंडी हो गई कि आइस ही जम गई यहाँ पे। तो हमने बाइक वार्म कर दी है, ये काफ़ी ठंडी हो गई थी बाइक, तो अब निकलते हैं। तो दोस्तों, अरे करीबन 5-6 किलोमीटर हो गए और तब से ऐसे ही ख़राब रोड चल रहे हैं, और आगे पता नहीं और कितना ख़राब रोड होगा, अब बैठ बैठ कर उसको क्रॉस करा जा नहीं रहा, अब मैं सोच रहा हूँ सैडलिंग कर करके निकालूँ। तो चलो करते हैं सैडलिंग, सैडलिंग करते हैं ना, हाथों में इतना दर्द नहीं हो रहा और बॉडी में भी इतना प्रेशर नहीं आ रहा जो भी बम्प्स आ रहे हैं। अरे यार, दुखी हो गया इससे तो, पता नहीं कभी ठीक हूँ। और नंदकिशोर जी तो गुल्ली हो गए, बाइक हमारी भारी है, भाग उनकी रही है तेजी से। तो गाइस, पूरा ऊपर से नीचे तक आ गए हम, और करीबन 8-10 किलोमीटर से शायद ज़्यादा होगा पूरा पैच टूटा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पैच सारा सही है, बाकी पता नहीं, बट ऊपर के जो जितने भी थे 8-10 किलोमीटर हाथ दर्द करने लग गए थे।
अभी देख रहा हूँ कि अभी करीबन 6 बज रहे हैं और अभी भी कुछ लोग खारदुंगला जा रहे हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये लोग नुब्रा से घूम के आ रहे हैं या कोई दूसरे लोकेशन से घूम के आ रहे हैं फिर खारदुंगला जा रहे हैं। बाकी देखो लगता है ये पैच अभी भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों जब पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। ये बार बार ना धोखे दे रही है ये रोड, कहीं पे सही हो रही है कहीं पे खराब हो रही है, बड़े धोखेबाज रोड है। तो यहाँ पे माउंटेन्स का व्यू भी बड़ा मस्त है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पास में जा रहा था तो मैंने पहली बार यॉक्स देखे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। वैसे देख वीडियोस में तो कई बार देखे दूसरों की, आज पहली बार खुद भी देख रहा हूँ लाइव और आप सबको भी दिखा रहा हूँ। सो गाइस एज यूजुअल जैसे चल रहा है हमारा कुछ दिनों से, तो रात को ही मैं व्लॉग कर नहीं पाता हूँ कि काफ़ी लेट 8-9 बज जाते हैं यहाँ पे स्टे लेते लेते और खाना वाना खाते खाते, फिर इतना टाइम नहीं बचता कि व्लॉग एंड करूँ, तो मैं नेक्स्ट डे ही कर रहा हूँ आजकल। सो अगर आई होप गाइस आपको जो अब तक का दिखाया मैंने वो आपको काफ़ी तरीके से समझ में आया होगा।